नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आखिर आपके घर के चारों तरफ यह दिव्य शक्ति क्या घूम रही है, आखिर अब क्या होने वाला है, यह सच्चाई अभी जान लो वरना जीवन भर पछताते रह जाओगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, कल से आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह दिव्य शक्ति आपको कुछ देना चाहती है और आप इन्हें हमेशा से नजरअंदाज करती आ रहे हैं। आप उनके संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज करती आ रही है, लेकिन अब आखिरी मौका है। अगर आप अभी उनके दिए संकेत को नहीं समझेंगे तो आगे चलकर आपको अपने किस्मत पर बहुत ही पछतावा होगा। क्योंकि दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी भलाई के लिए ही आपके घर के चारों तरफ घूम रही है और आपको जो बड़ी खुशखबरी देना चाहती है, सुनकर आपकी आंखों में खुशी की आंसू नहीं रुकेंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। हम आपको सारी बात पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, माता रानी के सभी सच्चे भक्त, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी सारे दुख दर्द को दूर कर देगी और आपकी जिंदगी में खुशियां भर देंगी। तो जरूर ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके जय माता दी जरूर लिखिएगा। यदि इस दिव्य शक्ति की पूरी कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आपको यह रातों रात मालामाल बना सकती है। लेकिन यदि आपसे यह दुष्ट हो गई, आपकी किसी बात से, यह किसी एक गतिविधि से यह नाराज हो गई, तो यह आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो ऐसे में आपको इस दिव्य शक्ति के बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप अपने ही हाथों अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के ऊपर हमेशा किसी न किसी प्रकार की शक्ति हावी रहती है, कभी नकारात्मक शक्ति और कभी सकारात्मक शक्ति। तभी तो आपके जीवन में विचित्र घटनाएं घटती रहती, कभी कभी आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, काम तो पूरी तरह से बन चुका था लेकिन बिगड़ क्यों गया, और कभी कभी आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब आपके जीवन में यह कहे कि आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति की कृपा रहती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी रहती है, तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। और जब वह शक्ति आपके ऊपर से हट जाती है, यानी कि आपकी ही किसी गलती की वजह से वह आपसे रुष्ट हो जाती है या दूर हो जाती है, तो नकारात्मक शक्ति आपको भेज लेती है, जिसे हम भूत प्रेत की शक्ति कह सकते हैं। और जब यही शक्ति आपको घेर लेती है तो आपके बंधे हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आप कभी कभी ये विचार तो अवश्य करते हैं, ऐसा आखिर होता क्या है, बनी हुई बात बिगड़ जाती है और बिगड़ी हुई बात भी कभी कभी बन जाती है। ये दोस्ती तो आपको हम आज आपके इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं और आपको बताने जा रही है। यह एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, पिछले कुछ दिनों से आपके घर में घूम रही है, निवास कर रही है और आपके जीवन पर प्रभाव भी डाल रही है। इसलिए कुछ दिनों से, यानी 5 से 7 दिनों से आपको कुछ न कुछ सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, जैसे कि आपकी सुबह जल्दी आंख खुल जाना है, आपका मन अच्छा रहेगा और आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार आते रहना और आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस होना। आपके कई बिगड़े हुए काम भी अच्छे होने के या तो संकेत आपको मिलने लगे हैं या फिर आपकी उम्मीद पड़ने लगी है कि अब आपके काम बन ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मन में अब ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जागने लगा है, आपका अपमान अब ज्यादा धार्मिक होने लगा है, सकारात्मक होने लगा है। यह सब इसी वजह से है दोस्तों, क्योंकि यह दिव्य शक्ति अब आपके आसपास है, आपके घर में निवास कर रही है और आपके घर में एक ऐसा विशेष स्थान है। कैसी विशेष जगह है जहां यह दिव्य शक्ति बहुत अधिक समय बिताती है, यानी घनीभूत होती है, एकत्रित होती है। तो आपको यदि इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से विस्तार में जानकारी मिल जाए तो आप इस दिव्य शक्ति को पसंद करके आज जीवन सुख प्राप्त कर सकते हैं और अपने कष्ट और तकलीफ से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात
आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं कि आपको सर्वोत्तम और आपके जीवन को बदलने वाली जानकारी दी जाए, जिससे आपके जीवन में बदलाव आ जाए। क्योंकि दोस्तों, हम पिछले लंबे समय से ये देखते चले आ रहे हैं कि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक तकलीफ हो में तनाव और परी हमें अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हम आपकी निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन लाकर ही हम दम लेंगे। दोस्तों, तो आप हमारी मन के भावों को समझें और हमारा समर्थन करें। हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और लाइक भी अवश्य क्या करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए और बेहतर जानकारी लेकर आने का हमारा मन करेगा। ये दोस्तों, तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मां की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे अवश्य दबा दें। उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हम आपको बता दें कि अभी जो समय चल रहा है आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अच्छा समय चल रहा है, आपको लाभ देने वाला समय चल रहा। कोई बड़ी विपत्ति और परेशानी आपके ऊपर आने वाली नहीं है। खास तौर से रुपए पैसे को लेकर, धन लाभ को लेकर आपके लिए अच्छा समय चल रहा है। अगर आप चाहे तो इस समय का पूरा उपयोग करके अच्छा सा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, एक दो ग्रहों को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण क्रेता आपके लिए सकारात्मक है। वही एक दिव्य शक्ति भी है जो आपकी मदद करने के लिए आगे आ चुकी है। यह दोस्तों, और यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आपकी ग्रहों की चाल कह रही है और आपकी ग्रहों की चाल बता रही है कि यह दिव्य शक्ति आपकी भरपूर मदद करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ ना कुछ कमी है तो आपके स्वभाव में भी है और आपके जीवन में भी है। यदि आपके अंदर यह कमी रहेगी तो हो सकता है कि यह दिव्य शक्ति जिस प्रकार चुपचाप आपके जीवन में आई है उसी प्रकार चुपचाप चली भी जाएगी। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि देवताओं की शक्ति कभी भी प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आती है। देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक भाषा होती है, हमेशा संकेत प्रकट किए जाते हैं और बुद्धिमान इंसान संकेतों को पकड़कर लेता है और उन संकेतों को समझकर अपने जीवन में जरूरी बदलाव लाने लगता है। इसी से उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है, सुख सुविधाओं की शुरुआत होती है और दिव्य शक्ति उसकी मदद कर पाती है। तो आपको भी दोस्तों यही करना है, संकेतों को अवश्य समझना है और यदि आप संकेतों को समझ लेंगे तो आप इस दिव्य शक्ति को खुश करके, इसको पसंद करके, इसकी पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर जाएंगे। फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, ये छोटे मोटे संकेत तो आपको अभी से मिलने ही शुरू हो गए। जैसे कि सूर्योदय से पहले आपकी आंख खुल जाला, आपके मन में ईश्वर का नाम हमेशा बना रहता है, धार्मिकता का भाव उत्पन्न हो जाला। दूसरा कि आपका मन अब आप कार्यों में लगने लगा है। जी हां दोस्तों, जहां 5 से 7 दिन से पहले का जो समय था उस समय में आपको अपने ही कार्यों को करने में रुचि नहीं रह गई थी, लेकिन अब आपकी रुचि अपने कार्यों को करने में बढ़ गई है। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा है। अब आपके अंदर क्रूर का भाव भी कम होने लगा है। दोस्तों, जहां पहले बात बात पर आपको चिढ़ होती थी, आप बात बात पर नाराज होती थी, गुस्सा आता था, वहीं अब आपका स्वभाव बदलने लगा है। अब आपको इतना क्रोध नहीं आता है, फिर भी नहीं होती है, तो यह जो बदलाव है यह उसी व्यक्ति की वजह से। लेकिन दोस्तों, यह संकेत नहीं है, संगीत हम आपको बताने जा रही है और इंसान की तो कुछ समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप इन संकेतों को समझ जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि फिर आपको आगे कौन से जरूरी कार्य करनी है ताकि वह शक्ति आजीवन आपके जीवन में बनी रहे और आपको अपना आशीर्वाद देती है जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों को ध्यान से सुनिए, सबसे पहला संकेत तो दोस्तों सबसे पहले संकेत है आत्मविश्वास।
अब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, आप किसी भी कार्य को करने चलते हैं और आपको अब मन में भय नहीं लगता कि यह कार्य बनेगा कि बिगड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कार्य बिगड़ जाए। आपको यह विश्वास रहता है, कहीं ना कहीं आपके अंतर मन से यह आवाज आती रहती है कि चिंता मत करो, कार्य अच्छा ही होगा, बनेगा ही, बिगड़ेगा नहीं। यानी अब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगा है और आपकी बातों का प्रभाव भी अब लोगों के ऊपर होने लगा है या दोस्तों। जहां पहले ऐसा होता था कि लोग आपकी अनसुनी कर दिया करते थे, वहीं अब आपकी बातों में प्रभाव बढ़ गया है, लोग आपकी बात सुनते हैं और माननीय भी लगे हैं। यदि यह संकेत आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपके साथ आ चुकी है। दूसरे संकेत है दोस्तों, पूर्वाभास खोलना, जैसे कि मानकर चलिए कि कोई एक ऐसी घटना है जो आपको पता नहीं कि सच होगी या झूठ होगी, लेकिन अचानक आपके मन में एक ऐसा विचार आ जाता है जिससे आप अचानक ही कह उठती हैं कि यह काम बन जाएगा या फिर यह काम नहीं बिगड़ेगा, और होता भी वही है। यानी कि आपको पहले से ही आभास होने लग जाता है, यानी कोई एक घटना है जो घटी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपके मन में उसके लिए कुछ विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं और जो बात आप बोल देते हैं वही सच हो जाती है, इसे पूर्वाभास करते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ यह घटना होती है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपके साथ है और आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। अब तीसरा संकेत सुनिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि आपकी आंख जल्दी खुल जाया करेगी, तभी तभी अक्सर ऐसा होगा कि आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में ही खुला करेगी, और यदि आपकी आंख भर बहुत मना को ले थोड़ी सी देर से भी खुले, लेकिन सूर्योदय से पहले जरूर आपकी नींद खुलेगी, और नींद खुलने के बाद आपका शांत रहने का मन करेगा, ईश्वर का नाम लेने का मन करेगा, किसी से ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होगी, यानी कि आपका मन करेगा कि आप गंभीरता से शांतिपूर्ण सुबह क्या जो अमृत समय है इसका पूरा आनंद ले ले। तो यदि ऐसी घटना आपके साथ हो रही है, इसका मतलब यह है कि अब आपका अंतर्मन यानी अब आपकी आत्मा उसे दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है, और सुबह का जो समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, वह बहुत ही दिव्य होता है कि उस समय भगवान सूर्यदेव पृथ्वी पर अपना पहला कदम रख रहे होते हैं, और जो किरणें इस ब्रह्मांड में फैल रही होती हैं, अंतरिक्ष में फैल रही होती है, सूर्य की बड़ी जिद्दी होती है, ईश्वरीय गुणों को अपने साथ लेकर चलती है। तो यदि किसी इंसान की आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो फिर वह इन दिव्य शक्तियों का अनुभव करने लगती है, और फिर वह इंसान उस समय का पूरा आनंद लेना चाहता है, शांत रहना चाहता है, ईश्वर को याद करना चाहता है। तो आपके साथ ही यदि ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि अब आपके साथ दिव्य शक्ति आ चुकी है। अब अगला संकेत है कि मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, यूं ही अपने दरवाजे पहुंची है किसी बात से, और अचानक आप देखते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई अधिकारी आ गया है, खास तौर से महिला, तो आप समझिए कि यह स्थिति क्या है। यह स्थिति है कि जब यह दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है, हो सकता है कि कोई देवी देवता की महाशक्ति उस अधिकारी के अंदर प्रवेश कर चुकी हो। कि दोस्तों, हम पहले ही कह चुके हैं कि देवी देवता कभी भी प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। जब भी आपसे बात करना चाहेंगे या आपको कुछ बताना चाहेंगे या फिर आपकी परीक्षा लेना चाहेंगे तो भी आंशिक रूप में किसी न किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और वही होता है उनका तरीका लोगों के साथ बात करने का और अपने काम करवाने का। तो हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है, जानना चाहती है कि आप कितने दयालु स्वभाव के हैं, आपका ईश्वर में, इंसानियत में कितना भरोसा है। तो अचानक ऐसा होगा कि आपने गेट खोला और आप बाहर निकले और अचानक आपके सामने कोई अधिकारी आ गया है। तो दोस्तों, यदि यह घटना आपके साथ हुई है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और घटना आपके साथ नहीं हुई है तो हो सकता है कि नजदीकी भविष्य में आपके साथ यह घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, और अगला जो संकेत है वह कुछ कुछ इसी संकेत से मिलता जुलता है कि हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक कार्य में किसी प्रकार का योगदान करने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये दोस्तों थोड़ा बहुत रुपया पैसा दान करने का
एक अवसर प्राप्त होगा जो किसी धार्मिक कार्य के लिए होगा। यदि ऐसा भी होता है तब भी आप समझिए कि आपके ऊपर किसी दिन भी सत्य की नजर है। दोस्तों, ये दोस्तों इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा संकेत है कि सपने में आपको दिव्य शक्ति के दर्शन होंगे। हो सकता है कि आपके आराधी के दर्शन हो, कुलदेवी देवता के दर्शन हो, या फिर कोई अन्य प्रकार की दिव्य शक्ति है जो आपको सपने के माध्यम से दर्शन देगी। और दोस्तों, एक चीज यहां पर ध्यान देने योग्य है कि हो सकता है कि दिव्य शक्ति का स्पष्ट दर्शन आपको सपने में ना हो, कोई सांस्कृतिक दर्शन हो, जैसे कि मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ हैं तो उनका त्रिशूल के दर्शन होंगे, या नंदी के दर्शन होंगे, या डमरू के दर्शन होंगे, या फिर मंदिर का एक धुंधला सा चित्रण आपके मन में आएगा। तो ऐसा कोई दर्शन यदि आपको होता है तो आप समझ चाहिए, जितने भी शक्ति आपको देख रही है आपसे कुछ ना कुछ वह करवाना चाहती है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है। इसे अनदेखा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कुछ और संकेत है दोस्तों, जैसे सपने में सांप दिखाई देना, काला सांप दिखाई देता है, यही भी देवी देवताओं की होने का संगीत है। सपने में यदि आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा संकेत है। साथ ही साथ दोस्तों के सपने में किसी अर्थी को देख रहे हैं, अपनी किसी पितृ पूर्वज को देख रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा संकेत है। इन संकेतों से भी पता चल जाता है कि देवी शक्ति की आपके ऊपर नजर है, वह आपके माध्यम से कुछ न कुछ बड़ा कार्य करवाना चाहती है और आपके जीवन में सुख संपदा भरना चाहती है। जी हां दोस्तों, अब ये तो थी संकेत जिन्हें आपको समझना था। कुछ ऐसे संकेत भी होंगे जो नकारात्मक जैसे महसूस होंगे दोस्तों, यानी कि दिन का कुछ समय ऐसा होगा जब आपको अचानक घबराहट सी होगी, थोड़ी सी मानसिक तनाव और चिंता भी करेगी, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपको बहुत अधिक सुस्ती और थकान का एहसास हो रहा है। दोस्तों, यह नकारात्मक संकेत है, लेकिन यह किसी नकारात्मक ऊर्जा के संकेत नहीं है दोस्तों, यह पवित्र दिव्य शक्ति के संकेत हैं। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हर समय दिव्य शक्ति आपके आसपास नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा उस दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। तो जब भी वह देवी शक्ति आपसे दूर जाएगी, या यूं कहें कि आप उस दिव्य शक्ति से दूर जाएंगे, तो आपकी आत्मा बेचैन हो उठी कि आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर होने लगेगी, और यह आपको तरह तरह के संकेत देगी, जैसे आपको बेचैनी, घबराहट, चिंता, गुस्सा, तनाव जैसी संगीत आपको दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, इस संकेत जो होगी ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे, कुछ समय तक आपको महसूस होंगे, उसके बाद अपने आप ये गायब हो जाएंगे और आप कौन है शांति की अवस्था में आ जाएंगे, सुकून की अवस्था में आ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण, आपको भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने का मन नहीं करेगा, लोगों से व्यर्थ की बहस और फालतू की बातें करने का मन नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अधिक से अधिक समय आपको एकांत में बिताने की इच्छा होगी, और जब आप एकांत में होंगे तो अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगेगा, अनायास ही आपकी जुबान पर ईश्वर का नाम आने लगेगा, कोई न कोई मंत्र नाम या फिर आपको रुलाने लगेंगे। इस सब स्पष्ट संकेत है कि देवी शक्ति आपको देख रही है, अब वह आपको बहुत कुछ देना चाहती है। यदि दोस्तों इनमें से कुछ संकेत भी आपको दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि तभी शक्ति ने आपको चुन लिया है, अब वह आपसे कुछ विशेष करवाना चाहती है और आपको बहुत कुछ देना चाहती है। तो अब यह तो थी संकेतों की भाषा जो आपने अच्छी तरह से समझ ली है। अब आपको करना क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको एक सही आचरण सुनना है, गलत तरीके से किसी भी कार्य को करने की कोशिश ना करें, झूठ ना बोलें, और जितना हो सके उतना अपने काम ईमानदारी और मेहनत से करने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार की शॉर्टकट या फिर अनैतिक कार्य को करने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको दान धर्म करने का जो भी अवसर प्राप्त हो, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप दान अवश्य करें, यह बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। विशेष तौर से अन्य का दान अवश्य करें। और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों, आपको नकारात्मक वातावरण से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, इसके पीछे किसी न किसी की हंसी उड़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, या फिर व्यर्थ की बहसबाजी करते हैं और झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं।
आप ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है और अपने मन को शुद्ध, साफ और स्वच्छ रखना है। अपना आहार सात्विक रखना है और ईश्वर को ध्यान करते रहना है, ईश्वर का नाम लेते रहना है। बस इन सब कार्यों को आपको करना है। बाकी आपकी आत्मा और मन तो बेहद पवित्र है ही। अभी यह दिव्य शक्ति आपकी और आकर्षित हुई है। अब यह दिव्य शक्ति आपको बहुत कुछ देने वाली है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी है भाई दिव्य शक्ति और क्यों वह आपको बहुत कुछ देना चाहती है। दोस्त, क्यों का जवाब तो यह है कि आपके मन की स्वच्छता, आपका पवित्र हृदय, आपके सच्चे कर्म और सबसे महत्वपूर्ण बात की, दूसरों को खुश करने की आदत, दूसरों के सुख से हमेशा सुखी होने की आदत, इन सब गुणों की वजह से ही यह दिव्य शक्ति आपकी ओर आकर्षित हुई है। और अब समय आ गया है कि आप इस दिव्य शक्ति को पहचान ले। दोस्तों, ये दिव्य शक्ति है मां भद्रकाली की शक्ति। दीपावली के समय जब समाप्त होता है तो माता की कृपा आपकी राशि के जातकों के ऊपर विशेष तौर पर होती ही है। और आपने हमारे कहने से कई बार मां भद्रकाली को सच्चे मन से याद भी किया है। तो अब समय आ गया है कि माता आपके लिए तैयार है, आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं। अब ध्यान से समझिए कि मां भद्रकाली का स्थान आपके घर में कहां होता है। दोस्तों, मां भद्रकाली का स्थान आपके घर में ब्रह्म स्थान में होता है, यानी आपके घर के आंगन में। यदि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर होगी तो आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान पर कुछ विशेष उपाय अवश्य करनी चाहिए। पहला तो यह कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में भूलकर भी कचरा नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखनी चाहिए और अंधेरा नहीं रखना चाहिए। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ब्रह्म स्थान का नाम ब्रह्म स्थान इसलिए होता है क्योंकि वह देवी देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा स्थान होता है। वह स्वयं ब्रह्मा का स्थान होता है, ईश्वर का स्थान होता है। तो आपको उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने जूते, चप्पल वगैरह या किसी प्रकार की गंदगी, कोई डस्टबिन वगैरह अपने घर के आंगन में भूल कर भी ना रखें। साथ ही साथ हो सके तो तुलसी की स्थापना अपने घर के ब्रह्म स्थान में अवश्य करें। यह बहुत ही आवश्यक है और इससे पवित्र ऊर्जा आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेगी। सतीश, दोस्तों, आपको एक चोट उपाय भी करना है जिससे मां भद्रकाली की विशेष कृपा आप पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। आप इस उपाय के लिए एक नारियल लेकर आए और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा घर में रखें। और यह कार्य आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन आपको नारियल लेकर आना है और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में रखना है। पूजा करने और इसे मां भद्रकाली का स्वरूप मानकर इसका पूजन करना है। और अपने घर की जो भी दुख, तकलीफ है, परेशानी, आपके जीवन में जो कष्ट है, विषाद माता को बताना है। ये दोस्त, पूजा करते समय साथ ही साथ दोस्तों आपको माता का एक मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है जिसे हम माता का बीज मंत्र कहते हैं। इस मंत्र की